मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों का कारण हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाला तिवारी हाता है। इस बार असल में तिवारी जी को सीबीआई ने लपेट दिया है, क्योंकि आरोप है कि विधायक विनय शंकर तिवारी ने 1500 करोड़ रुपए का घपला किया है। सोमवार को एक बार फिर से गोरखपुर का सियासी पारा चढ़ता दिखा, जब हरिशंकर तिवारी के बेटे और चिल्लूपार से बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी और उनकी पत्नी के खिलाफ सीबीआई ने नई दिल्ली के बैंकों के करीब 1500 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में एफआईआर दर्ज की। विनय शंकर तिवारी की कंपनी से जुड़े बैंक फ्रॉड के मामले में सीबीआई द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। यह छापा लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा समेत कई ठिकानों पर की गई। चिल्लूपार विधानसभा सीट से लगातार 6 बार विधायक रहे हरिशंकर तिवारी की पहचान ब्राह्मणों के बाहुबली नेता के तौर पर है। 80 के दशक में राजनीति में धनबल और बाहुबल के जनक के तौर पर स्थापित हरिशंकर तिवारी की तूती बोलती थी। एक समय था जब गोरखपुर शहर के बीचों बीच तिवारी का हाता से ही प्रदेश की सियासत तय होती थी। प्रदेश में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, हरिशंकर तिवारी सब में मंत्री रहे। ।1985 में हरिशंकर चिल्लूपार से विधायक बने। इसके बाद यह सीट तिवारी के नाम से जानी जाने लगी। वह 1989, 1991, 1993, 1996 और 2002 में यहीं से चुनाव जीते। इसी सीट के दम पर हरिशंकर राज्य के मंत्री बने, लेकिन 2007 के चुनाव में स्थानीय पत्रकार से नेता बने राजेश त्रिपाठी ने बीएसपी के टिकट पर लड़ते हुए उन्हें हरा दिया। राजेश 2012 में दोबारा चुनाव जीते। हालांकि 2017 के चुनाव में बीएसपी के टिकट पर मैदान में उतरे हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने पिता की प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर ली। अब जबकि विनय शंकर तिवारी पर करोड़ों का घपला करने का आरोप लगा है, तो इस पर विनय शंकर तिवारी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार हमारा ब्राह्मण होने के नाते उत्पीड़न कर रही है। विनय शंकर तिवारी ने कहा कि मामला बैंक से जुड़ा है, लेकिन सरकार सीबीआई के माध्यम से प्रताड़ित कर रही। खैर, सीबीआई के छापे के बाद जिस तरह से मामला अब जातिवाद का बनने लगा है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले पर क्या होता है।